वेलकम टू डिजिटल न्यूज। कानपुर में जिला जज के खिलाफ कानपुर बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल रखा है। हड़ताल के ऐलान के बाद भी अदालतों में जाकर कार्य करने वाले 18 अधिवक्ताओं को बार एसोसिएशन ने नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। बता दें कि भाई दूज पर स्थानीय अवकाश घोषित न करने, बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में न्यायिक अधिकारियों के शामिल न होने व जिला जज द्वारा बार बेंच के बीच समन्वय न रखने के आरोप में एसोसिएशन की ओर से न्यायिक कार्य के बहिष्कार की घोषणा की गई है। वहीं बार एसोसिएशन के महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि बहिष्कार के बावजूद कई अधिवक्ताओं ने अदालतों में जमानत प्रार्थना पत्रों पर बहस व अन्य न्यायिक कार्य भी किए। इन अधिवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस भेजकर 3 दिन में इसका जवाब मांगा गया है। अनुराग श्रीवास्तव ने आगे बताया कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर संस्था से उन अधिवक्ताओं की सदस्यता खत्म करने पर फैसला लिया जाएगा। वहीं अधिवक्ता नरेश मिश्रा ने जिला जज पर कई आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति को पत्र भेजा है। इसमें एक दीवानी और एक फौजदारी मुकदमों में हुए आदेश का हवाला भी दिया गया है। इसकी सूचना उन्होंने बार एसोसिएशन को भी दी है। वहीं एक पत्र हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति को भेजकर जिला जज के ट्रांसफर की मांग भी की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 7 व 8 मार्च को अदालतों में होली की छुट्टी थी और 9 व 10 को अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया था। 11 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार और 12 को रविवार, वहीं 13 को गंगा मेला का न्यायालयों में अवकाश घोषित है। इसके चलते 14 मार्च से ही अदालतों में नियमित कामकाज हो सकेगा। कानपुर के जिला जज संदीप जैन के द्वारा गलत आचरण, गलत व्यवहार व उनके द्वारा जो अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, स्टेज पर बैठे कहते हैं अधिवक्ताओं को फीस दी कि नहीं दी, अपने मौके से पूछते हैं, अब फीस ना देना क्योंकि मैं आपके ऊपर काट लगाने जा रहा हूँ, मुकदमा खारिज कर रहा हूँ। कई बार कानपुर बार की बार एसोसिएशन द्वारा, कार्यकारिणी द्वारा उनको समझाया गया, पत्र भेजा गया, उसके बाद कई बार समझाने के बाद उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इस संबंध में सीजे प्रयागराज इलाहाबाद में उनको भी पत्र दिया गया, उनसे हम लोग मिले भी थे जाके लखनऊ में। 1 सप्ताह का समय दिया गया था कि इनके द्वारा इनका आचरण सही हो जाएगा या इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अभी तक ना तो इनका ट्रांसफ़र हुआ है, ना ही इनके व्यवहार में कोई बदलाव आया है। सर अब आगे क्या क्या कार्य योजना है? आगे 15 तारीख को हम लोग जनरल हाउस बुला रहे हैं, उसमें निर्णय होगा कि इनके क्या करना चाहिए, कोर्ट का बहिष्कार करना चाहिए। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं इनका यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, दूसरा जिला जज यहाँ भेजा जाए, जिससे अधिवक्ताओं में बड़ा आक्रोश है यहाँ पे। हम अभी तो आज तक की है, 15 तारीख को जनरल हाउस यहाँ बुलाया गया है, उसमें हम लोग निर्णय, कार्यकारिणी पूरी निर्णय लेगी जनरल हाउस में। उसके बाद कल तो सेकेंड थर्सडे बंद है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.